महाराज आज आप इतनी चिंता में क्यों हैं? नाना जी, हमने जितना सोचा था शत्रु उससे कहीं अधिक प्रबल है। हमने सोचा था हम उस राम पर विजय पालेंगे, परंतु ये इतना आसान नहीं लगता। उस राम के बाण कब आते हैं और कब बैठ जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता। हमने इंद्र का वज्र देखा है, विष्णु का चक्र देखा है, परंतु उसके राम के अस्त्र और शस्त्र कुछ और ही किस्म के हैं। वो कब चलते हैं, कब घात करते हैं, उनकी तीव्रता का कोई अनुमान ही नहीं होता। वो राम जब अस्त्र उठाता है तो ऐसा लगता है कि चतुर्भुज ब्रह्मा स्वयं उस पे सवार है। जब वो चलाता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान विष्णु उस पर सवार है, और जब घात करता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान शंकर उस पर सवार है। पुत्र, तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, किंतु अगर आप पीछे हटोगे तो कुल पर कलंक लगेगा। इसलिए मेरी तुम्हें ये सलाह है, आप स्वयं युद्ध की कमान संभालिए और इस युद्ध का कुछ ना कुछ निर्णय कीजिए। जो किस्मत में होगा वो ही होगा। ठीक है नाना श्री, युद्ध में चाहे स्वयं भगवान भी आ जाएंगे तो भी रावण पीछे नहीं हटेगा। अपनी जाति के लिए अपनी आन बान और शान से युद्ध करते हुए विजय को प्राप्त होगा या फिर अमरता को प्राप्त होगा। बेटा रावण, जाओ और शीघ्र युद्ध की तैयारी करो। कहाँ है वो राम? कहाँ है? कहाँ बिल में जा चुके हैं? बाहर आए, आज रावण स्वयं युद्ध में आया है। कहाँ है वो राम? निकलो बाहर, सामने आओ। आओ, आज तुम में से कौन काल का मेहमान है? सामने आओ। रावण, तू सोच रहा होगा कि मैंने उस दिन तुझे जीवित छोड़ दिया। तेरा ये वहम है। हट बाजी, तेरे जैसे से तो बात करने में मेरी शर्म है। तू शुक्र मना कि मैं उस दिन तुम्हारी लंका में नहीं रुका, वरना मैं एक श्री राम कह दूं तो तुम्हारी स्वर्ण लंका ही नष्ट कर दूं। जय श्री राम। अजी अजी, उससे डर लगता है तो मेरी तरफ आ जाओ। तू से 30 बार खा निकले, बाप ने मारी भेंट की और बेटा तीरंदाज, अपनी चोरों के लिए तो आज तक दर दर पटता रहा। अब उंगली को खून लगाकर शहीदों में नाम गिना रहा है, हिजड़ा कहीं का। महाराज आप बहुत
सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि सारी सेना में केवल तुम ही दो बलि के बकरे रह गए। अधिक बकबकने लगा और इंसानों की तरह मुकाबला कर चीख ले, अच्छी तरह चीख ले, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अब मैं तुझे हमेशा के लिए ही मिटा दूंगा। रावण तेरा सामने आ और मुकाबला पाया। रावण देख, अब तेरा काल आ गया है। अरे निर्लज्ज, तू अब आए मेरे सामने। चलो अच्छा हुआ, थोड़ी देर और जी गया, अब नहीं जी पाएगा। क्यों बड़बड़ के बातें बना रहा है? अब तू जिंदा नहीं बच पाएगा। मेरे मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला बढ़ रही थी, अब सामने आया है, अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। रावण जेबान तेरे प्राण लेकर रहेगा। Ha ha ha!
बुद्धि में तीर लगाए। विभीषण कुलद्रोही, आखिर तूने अपना काम कर ही दिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान ने की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान ने की। हाय हाय मेरा भाई, ये क्या हो गया? जिसका बैर था आखिर ही हुआ। बार बार समझाता रहा परंतु आपने मेरी एक ना मानी। काश मैं लंका से ना जाता और जो अनर्थ ना होता, सारा कुल नष्ट हो गया। लंका खाक में मिल गई। भूषण का कहना आपको तो बहुत बुरा लगता था। आप दूसरों को आदेश देते थे, एक भी काम आपके अनुसार ना होता था। अगर आप सही राज्य करते और जय नरका नष्ट ना होती और आप नहीं मरते। प्यारे विभीषण, तुम्हारा जो ये रोना पीटना और आंसू बहाना है, ये रावण की मान मर्यादा को बता रहा है। तुम्हारा भाई तो बहादुर था और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, ना कि स्वर्ग सिधारा है, ना ही वो पीठ दिखाते हुए ना भागते हुए मारा गया। फिर हमारा जो भी बैर और शत्रुता थी वो इसी के साथ खत्म हो गया। अब ये जैसे तुम्हारा भाई है वैसे ही ये हमारा भाई है। अब इनके दाह संस्कार की तैयारी कीजिए। लक्ष्मण, तुम इनके सिर की तरफ खड़े हो जाओ और इनसे शिक्षा लो। जैसी आज्ञा। हे महात्मन, आप कृपया मुझे कुछ तो बताइए, कोई ना कोई शिक्षा अवश्य जरूर दीजिए। हे लक्ष्मण,
मरते मरते ये शिक्षा कि कभी भी किसी प्राय स्त्री की तरफ गलत नजर से मत देखना और वेद दो से अधिक लोगों को मत बताना और कभी भी अपने अहंकार में मत जीना। चोड़ है इसी को लेके मैं जा रहा हूँ राम।